अब इस नंबर फॉर्मेट में पहले हम नंबर टैब में जाते हैं, कैटेगरी में, यहाँ नंबर में। इसमें तो डेसिमल्स वाला आपको पता ही है, जितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। यूज सेपरेटर फॉर थाउजेंड, अगर वैल्यू थाउजेंड से अबव है तो एक कॉमा बीच में ऐड कर देगा। दूसरा इसमें है नेगेटिव नंबर, कि आप नेगेटिव नंबर को कैसे दिखाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है माइनस से। अगर आप इसको ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रेड दिखा रहा है तो नेगेटिव नंबर आपको रेड में दिखाएगा। अगर मैं इसमें माइनस 120 या कोई भी डालता हूँ, अगर ये नेगेटिव है तो रेड में दिखाएगा, माइनस का साइन नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसी में है विद ब्रैकेट, इसमें कलर चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नंबर तो आपको ब्रैकेट में दिखाएगा। और नीचे वाला है ब्रैकेट में भी दिखाएगा, रेड में भी दिखाएगा। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर आपको इस कलर में दिखाएगा, पॉजिटिव आपको नॉर्मल दिखाएगा। ठीक है सर, अब देखते हैं करेंसी। बाकी दो ऑप्शन डेसिमल प्लेसेस इसमें नहीं है। करेंसी लगाना है तो आप यहां से सिंबल चूज कर सकते हैं डॉलर का। अब आपको अगर रुपी का साइन लगाना है मान लीजिए अमाउंट है ना, यहां से मैं गया करेंसी में, यहां से मैं कोई भी साइन चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे इंडियन रुपीस में चाहिए तो INR का साइन भी इसमें अवेलेबल है। ये रुपी इंग्लिश इसका है, एक INR का भी आता है। पर एक रुपी का सिंबल होता है, वो होता है आपका रुपी फॉर्डियन फॉन्ट होता है। उसके लिए आपको एक फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से, रुपी फॉर्डियन करके है। ठीक है जी, इंडियन रुपी सिंबल फॉन्ट। इसको आप नेट से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया मेरे पास, इसको क्या करना है मुझे कॉपी करके, एक फॉन्ट का फोल्डर होता है फॉन्ट, यहां पे मुझे पेस्ट करना है। हो गया, फॉन्ट मैंने पेस्ट कर दिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट में जाके रन में जाएंगे या विंडो उससे आर दबाएंगे, विंडो आर तो रन आ जाएगा, उसमें फॉन्ट टाइप करेंगे और यहाँ आपका फॉन्ट का फोल्डर खुल जाएगा। ओके, तो इसमें पेस्ट कर देंगे तो आपका वो रुपी कॉर्डियन आ जाएगा, ये रहा। अब रुपी फॉर्टियन आ गया आपके पास, तो अब आप उसको एक्सेल में यूज कर सकते हैं। देखते हैं अगर होगा तो आ गया होगा, अदरवाइज आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा।
दोबारा रिस्टार्ट किया मैंने। करेंसी में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे नीचे जाऊंगा तो मुझे दिख जाएगा। ये आ गए ना आपके रुपये हिंदी। ठीक है जी, हिंदी के भी आ गए। इसे फॉन्ट के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, आपको रुपी का जो एग्जैक्ट साइन होता है वो भी मिल जाएगा। इसमें जो साइन है अपना रा करके बीच में वो साइन है, वो भी ऐसा ही फोन था, पुराना फोन था सर, तो वो भी नेट पे आप ढूंढने के तो मिल जाएगा। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे कुछ ये डाली है, यहाँ पे जो रुपी का साइन है यहाँ पे दो जगह मैंने लगाया। अब इसमें क्या है, साइज यूज कर सकते हैं, बाकी नेगेटिव नंबर्स वही है। अकाउंटिंग में जाएंगे तो अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे इसको ओके करेंगे अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो ये रुपी का जो सिंबल है ये अलाइंड है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में यहाँ पे आगे पीछे आता है। तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में होता है इस तरह से। और दूसरा, अगर आप इसमें जीरो डालते हैं कहीं तो करेंसी वाले में आपका जीरो का जीरो दिखाता है, इसमें क्या है एक छोटा सा डैश दिखा देता है जीरो की जगह। तो मतलब अगर आप जीरो ना दिखाना चाह रहे हो तो अकाउंटिंग में यहाँ से अकाउंटिंग में डैश दिखाता है ना जी, अकाउंटिंग में डैश दिखाता है। हाँ, अगर मैं सिंबल नहीं चूज करता हूँ तो ये डैश दिखाएगा, जहां भी जीरो डालूंगा वो डैश दिखाएगा। अकाउंटिंग में इसी तरह आता, जीरो लिखा हुआ नहीं आता। बाकी देखते हैं डेट का, कभी भी आपको टुडे वाली डेट चाहिए मतलब आज की डेट चाहिए तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आज की डेट आपका एंटर कर देगा, और टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन प्रेस करेंगे टाइम दे देगा। कंट्रोल सेमी कॉलन करंट डेट, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन करंट टाइम। ठीक है जी, कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, सेमी कॉलन टाइम आ गया, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन में टाइम आ रहा है। हाँ जी, अब डेट के कई फॉर्मेट होते हैं। और डेट में कैसे हैं? अब डेट के ना कई सारे फॉर्मेट होते हैं, तो हम चलते हैं डेट के फॉर्मेट को अपना देखते हैं। डेट के फॉर्मेट में देखेंगे जो अभी जो नहीं, मैंने पूछा कि डेट का स्ट्रक्चर क्या है, टाइम का मतलब हो गया, डेट का क्या है, कंट्रोल सेमी कॉलन, शिफ्ट नहीं है सर, कंट्रोल सेमी कॉलन वही के।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी डेट तो पड़ी हुई है, डेट का फॉर्मेट जो है वो है आपका एम डी डी वाई 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 वाई, मतलब मंथ सिंगल में, फिर डेट जो है डबल में, और जो ईयर है वो आपका चार डिजिट में आ रहा है। तो आप डेट के कुछ फॉर्मेट यहाँ पे हैं, अगर आपको इसके साथ में वो चाहिए डे देखना है साथ में, तो आप ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है जी। अगर आपको ये ऐसे में चाहिए डी डी एम 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 वाई वाई में, यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसमें मंथ आपका लिखा हुआ है, डेट आगे आ गई, मंथ बीच में आ गया, ईयर ऐसे, तो फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। बाकी मंथ और ईयर दिखाना चाहें वो चूज कर सकते हैं। डेट सेम रहेगी, बस इसकी विजिबिलिटी बदलती चली जाएगी कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। ये एब्रीवेटेड मंथ नेम और ईयर है, फुल मंथ नेम और ईयर दिखाना है तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें आपके काफी सारे फॉर्मेट हैं। विद टाइम दिखाना चाह रहे हैं तो विद टाइम का इधर है, और हमने करंट डेट का शॉर्टकट मारा था इसलिए 12 AM दिखा, मतलब जीरो में, ठीक है जी। अब देखिए फर्क क्या होता है, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। पहले अगर हम इसको जनरल फॉर्मेट में कर देते हैं डेट को, अगर आप इसको जनरल फॉर्मेट में कर देते हैं तो ये इस तरह से कुछ नंबर दिखाएगा आपको करंट डेट में, ठीक है जी। हमारे पास एक नाउ का फॉर्मूला है जो हमें डेट टाइम दोनों रिटर्न करता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको पेज एज वैल्यूज कर देता हूं, तो हमारा करंट की डेट में और डेट विद टाइम में देखिए क्या डिफरेंस है। ये जो नंबर है डेसिमल्स में, एक्सेल इसको रीड करता है डेट की तरह, और डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको टाइम की तरह रीड करता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें एक प्लस कर देता हूं तो क्या होगा, दूसरा नंबर दिखा दिया, और इसको मैं डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो ये 20 जून दिखा दिया मुझे, ठीक है जी। इसको भी डेट में, यानी कि आप यहां प्लस माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सेल में डेट से, इक्वल टू लगा के बस आपको प्लस करना है, आपको दिखा दे। उसी जगह अगर आप टाइम डालते हैं, करंट टाइम, तो टाइम को जनरल में कर रहा हूं तो ये आ रहा है कुछ नंबर डेसिमल में, तो अगर हम डेसिमल में नंबर को प्लस भी करते हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1.5 हो जाएगा। यानी कि डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट, डेट एंड टाइम के अगर हम फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहां से, टाइम आपका वही दिखाएगा, ये टाइम पे चेंज नहीं है, डेट एक बढ़ी हुई दिखाएगा बस। ये फॉर्मेट है तो फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मेट, फॉर्मेट प्रिंटर लिया मैंने और यहाँ सेम मारा। अब इसमें 1000 करके दिखा रहा है 12 टाइम करंट टाइम, क्योंकि डेसिमल के आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो 00 में ही डेट एक ही दिन है, और यहाँ एक दिन प्लस हो गया तो वो हमें दिखा रहा है। तो जब भी हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो डे में प्लस होगा, टाइम में नहीं प्लस होगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक डिफरेंस है डेट और टाइम का। डेट टाइम में कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये आगे में चल के मैं आपको बताऊंगा, अभी फॉर्मेट के बारे में समझा देंगे। इसी तरह से आपका टाइम का फॉर्मेट है, टाइम का फॉर्मेट यहां से चूज करेंगे, टाइम में भी अलग अलग फॉर्मेट है आपके, एएम पीएम, यहाँ सैंपल दिखा रहा है आपको क्या कैसा कैसा होगा,
12:39 ठीक टाइम है, पीएम में दिखा रहा है, वैसे नॉर्मल में दिखा रहा है, एम पीएम में दिखाना चाहते हैं या 24 आवर्स के फॉर्मेट में, उसके आगे एम पीएम नहीं लिखा होगा, जो 13:30 करके जो होगा वो 24 आवर्स का फॉर्मेट है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 1:39 PM है, अगर मैं इसको 13:30 वाले में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ 24 घंटे वाले में, तो ये 24 घंटे की तरह मुझे टाइम दिखाएगा 13:39। अब हमने क्या किया था, 1+ कर दिया था इसके अंदर ना, कर दिया था, यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मान लीजिए हमें टाइम इलेप्स दिखाना है, यानी एक का मतलब है मैंने इसके अंदर 24 घंटे प्लस किए, हमें दिखाना है कि कितने घंटे हो गए, उसके लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे। हमारे पास 30:55 का है, 37:30 का है, ये दो फॉर्मेट है, ये टाइम इलेप्स के लिए होते हैं, इनमें से कोई भी चूज करेंगे और टोटल नंबर ऑफ आर्स दिखाएगा आपको। तो 13 में 24 प्लस हुए 39 हो गया, ठीक है जी। इसको अगर आपको ऐड वगैरह करना है, कभी इसमें घंटे वगैरह जोड़ने हैं टाइम में, तो एक सीक्रेट चीज बता देता हूं, कभी आपको करना है तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 24 कर सकते हैं, डिवाइड बाय 24 कर सकते हैं, जितने घंटे जोड़ना चाहते हैं डिवाइड बाय 24। एक को 24 से डिवाइड करेंगे एक घंटा, 24 को 1 से डिवाइड, 1 को 24 से होना चाहिए। इसके अंदर क्या कर रखा है मैंने, इसमें अगर ये जो होता हूं तो ये 14:39 आ गया, मतलब एक घंटा जुड़ गया सीधे सीधे, 2 घंटे जोड़ना चाहता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 24, 3:39 आ गया, इसी तरह से अगर आप मिनट जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है जी, 2 मिनट जुड़ गए, या 2 डिवाइडेड बाय 24 बाय 60, अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो आगे जो भी लिखूंगा यहाँ पे मैं, वो मिनट जोड़ेंगे, 15 मिनट जोड़ने, 15 मिनट जुड़ गए। इसी तरह से अगर आप सेकंड जोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे फिर 60 कर सकते हैं, 3600 से डिवाइड कर देना है सीधा सीधा, 3600 मल्टीप्लाई बाय 2400 उससे डिवाइड कर देंगे, तो उतने सेकंड आगे लगा दिया, ठीक है जी। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला के थ्रू हम खुद से कैसे लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास मैंने बताया कि आपके पास ऐसे फॉर्मेट हैं, एक आपका 12 आर्स के फॉर्मेट में जहां एएमपीएम दिखाई देता है, 24 आर्स का फॉर्मेट हो गया, और मोर देन 24 आवर्स अगर आप कैलकुलेशन टाइम इलैप्स जानना चाहते हैं, 30 बाय 55 और 37 बाय 30 के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है जी। तो डेट टाइम में मोस्टली यही फॉर्मेट यूज होते हैं, बाकी देखते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज में अगर आप 1 डालते हैं या 2 नॉर्मल नंबर होते हैं, अगर इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाते हैं, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200% हो जाता है। कैसे, अगर 100 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, अगर 0.5 से करेंगे, 0.5 का मतलब होता है 50%, ठीक है जी। अगर मैं परसेंटेज में करता हूं इसको तो ये 50% है, 50 दिखा रहा है,
हाँ जहां वैल्यू परसेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, आप जो भी डालेंगे वो उसको उतने परसेंट ही लेगा, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर देगा, डायरेक्ट आप जो डालेंगे वो वही रहेगा। ठीक है जी, तो परसेंटेज में कन्वर्जन करते हुए इसका ध्यान रखना पड़ता है। और परसेंटेज के लिए यहाँ से हम डेसिमल प्लेसेस वगैरह चूज कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन जैसे 2.5 है, फ्रैक्शन से आते हैं 1/4 का जो फॉर्मेट है, तो क्या करना है 2/2, 1/2 दिखा रहा है, 2/1/2। ठीक है जी, तो ये फ्रैक्शन के हैं, सेम ही है, सारे वही हैं। इसमें जो आपका सारे फॉर्मेट वैसे ही, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा साइंटिफिक हमारे यूज नहीं आता है, वो ई में कन्वर्जन करके दिखाता है, उसका यूज नहीं आता है, टेक्स्ट का यूज होता है। टेक्स्ट का यूज कहाँ करते हैं, जैसे आप मैंने बताया था कि हम चेक नंबर डाल रहे हैं, आगे 0 से स्टार्ट है, तो हमें या तो कोटेशन मार्क लगाना होता है तब हम आगे 0 रख सकते हैं। अगर आप बार बार कोटेशन मार्क नहीं लगाना चाहते तो इस एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+1 कीजिए और टेक्स्ट में यहां से कन्वर्ट कर दीजिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपको कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये मतलब टेक्स्ट में जाता है। पर टेक्स्ट में एक चीज ध्यान रखनी होती है, अगर आप कोई फॉर्मूला भी लगाएंगे इसमें तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर आपको वापस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो अगेन इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जनरल में कर दिया मैंने, एक बार अंदर जाके एंटर किया, अब ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से फॉर्मेट कन्वर्जन होता है, ये आपके नंबर फॉर्मेट में यूज आते हैं। अब इसमें देखते हैं एक चीज है, जैसे मैंने चेक नंबर एंटर तो किए, क्या हुआ, हम बाय मिस्टेक मेरे से यहां से क्लिक हो गया कन्वर्ट टू नंबर। मान लीजिए बड़ी लिस्ट है, अब तो बड़ी मेहनत हो गई मेरे लिए आगे 0 लगाने में। हाँ जी, तो इसको कैसे करना है, वापस 0 कहां से लाएंगे, इसके साथ ही शुरुआत होती है कस्टम फॉर्मेट की। स्पेशल जो होते हैं ये सब कस्टम में ही कवर हो जाते हैं, इसलिए इसको अलग से बताने की जरूरत है। कस्टम फॉर्मेट में आपके क्या होता है, जितने डिजिट आपको चाहिए आप उतने 0 लगा दीजिए, इसमें 6 times 0 मैंने डाल दिया, ओके किया, ये नंबर हमारे आ गए। इसमें क्या करेगा, जितने डिजिट आप डालेंगे उतना ठीक है, बाकी अपनी मर्जी से लगा देगा, आगे 0 फिल कर देगा। ठीक है जी, पर इसमें और उसमें एक फर्क था, ये जो कस्टम फॉर्मेट हम यूज करते हैं ये खाली विजिबिलिटी के लिए होता है, यानी कि इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सम किया मैंने, इनको कैलकुलेशन में भी लिया जा सकता है, क्योंकि डेटा की विजिबिलिटी वही है। हालांकि ये एक फॉर्मेट है, तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर वैल्यूज करेंगे तो फॉर्मेट गायब हो जाएगा। ओके, नंबर फॉर्मेट गायब हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक नंबर फॉर्मेट है, इस वजह से आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं इससे। अब बात करते हैं, मान लीजिए मोबाइल नंबर एंटर करना है मुझे,
मैं चाहता हूँ +91 जो है अपने आप लिखा आ जाए इसमें, जैसे ही डालूं +9 नंबर डालते ही +91 आ जाए। फील्ड को मैं सिलेक्ट करूंगा, कस्टम में जाऊंगा, देखिए 000 मैंने कर रखे हैं। टेक्स्ट एंट्री कुछ भी टेक्स्ट आपको पहले लगाना है तो इन्वर्टेड कॉमास में हम देते देते हैं उसे, पर अगर वो नंबर है तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, कुछ नंबर और सिंबल हम डायरेक्ट दे सकते हैं। तो हम सीधा +91 लिखूंगा, डैश डाला और इसके आगे उतने जीरो लगा दूंगा मैं। 10 डिजिट के मोबाइल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 लगा दिए मैंने। अब क्या है, मैं इसमें कोई भी मोबाइल नंबर डालता हूँ, +91 अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, और जीरो की जैसा मैंने बताया, जीरो की हैबिट है अपने आप को फिल कर देता है, अगर इसमें नंबर कम हुए तो बाकी को ये अपने आप ही फिल कर देगा। वैसी चीज तो हो जाएगी गड़बड़ थोड़ी सी, अगर आप चाहते हैं कि ये जीरो ना लगाए यहाँ पे, आपने क्या करना है इसकी जगह पे हैश दे देना है, उतनी बार हैश दे दीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 10 टाइम्स मैंने हैश दे दी। फॉर्मेट चेंज हो गया, मैं वही डाल रहा हूं, पर अगर कम नंबर होते हैं तो ये आगे जीरो से पहले ही करेगा। ठीक है, ठीक है जी। सच एज मीटिंग आईडी में भेजी आपको, ये बताई जो भी 9 डिजिट की होती है, बीच में मुझे डैश चाहिए हर एक के। तो डिजिट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं जीरो या हैश से करते हैं। हैश क्या करता है आपका, जीरो क्या करता है, जब डिजिट नहीं मिलती उसे तो जीरो से फिल कर देगा, हैश क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा उसकी, पर रिप्रेजेंट उसी से करेंगे। हैश 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 मैंने 3 बार डाला, डिजिट इसका मतलब है 3 डिजिट, फिर हैश 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 देन हैश हैश हैश, मतलब 3 हैश डैश 3 हैश डैश 3 हैश, ये कर दिया मैंने। अब 9 डिजिट का नंबर डाल रहा हूं मैं कोई भी, तो बीच में इसमें डैश आ जाएगा। ठीक है जी, सपोज इसमें कम डाल देता हूं मैं तो क्या होता है, पीछे से शुरुआत करता है ये, जहां तक मिल गए ठीक है, बाकी आगे कुछ नहीं। ठीक है ना, ज्यादा डाल देते हैं तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा डिजिट है वो आगे प्लेस हो जाती है। अब देखते हैं इसके आगे, डेट्स का देखते हैं। अब जैसे डेट्स में कहां यूज कर सकते हैं, जितने भी हमने फॉर्मेट बनाए कस्टम फॉर्मेट में चले जाएंगे। अब देखिए MDYYY ये फॉर्मेट लगा हुआ है जिसका आपको सैंपल में दिखा रहा है, अब हम इनका यूज कैसे करेंगे। देखिए एम जब भी डालते हैं आप, मंथ को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल एम मतलब सिंगल डिजिट में मंथ दिखाएगा, मतलब डबल डिजिट होगी तो ही दिखाएगा, अदरवाइज सिंगल डिजिट में दिखाएगा। 2 बार एम डाला तो 2 डबल डिजिट में मंथ दिखाएगा, सैंपल में देख रहे हैं। 3 बार एम डाला तो एब्रीविएटेड मंथ नेम आ गया, 4 बार एम डाला तो पूरा मंथ नेम आ गया, 5 बार एम डाला तो इनिशियल मंथ नेम आ गया, फर्स्ट करेक्टर ऑफ द मंथ। ठीक है जी, इसी तरह से हम देखेंगे डे का है, डी डालेंगे तो सिंगल डिजिट में आपका डे दिखाता है, डबल डी डालेंगे डबल डिजिट में दिखाता है, 3 बार तो एब्रीविएटेड डे नेम,
मंडे ट्यूसडे थर्सडे ये चार बार डालेंगे तो फुल डे में, पांच बार नहीं चलता है। इसी तरह ईयर के दो फॉर्मेट है, वाई वाई डाल के और चार बार वाई, दो बार वाई और चार बार वाई, डबल डिजिट और फोर डिजिट। तो अब हम अपना कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं, जैसे हमें पहले चाहिए डे चाहिए, देन चाहिए मंथ, एब्रीवेटेड मंथ नेम, एमएम, देन दो डिजिट में ईयर, ठीक है जी। साथ में मैंने कहा कॉमा लगा दे और बाद में मुझे इसमें डे का फुल नेम दिखा दे, चार बार डी, ठीक है जी। आगे अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, मंथ नेम एंड ईयर चाहिए खाली, ठीक है जी। एम एन एम वाई, तो ये इस तरीके से आप डेट को अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से दिखाते हैं टाइम को, टाइम में जो फॉर्मेट यूज होते हैं हमारे, कस्टम फॉर्मेट होते हैं, क्या होते हैं, जो करंट आपको दिखा रहा है वो ये फॉर्मेट दिखा रहा है, एच कॉलन एम 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 स्लैश पी एम। अब ए एम स्लैश पी एम, ए एम पी एम के लिए ये आपको इकट्ठा देना पड़ता है, ये कोड है ए एम स्लैश पी एम। सबसे पहले दिखाएंगे आर कितने हुए, एच तो आपको आर दिखाता है सिंगल डिजिट में, डबल एच दो बार वो दिखाएगा, ठीक है जी। कॉलन मिनट एमएम कर सकते हैं, सेकंड के लिए कॉलन एसएस सेकंड कर सकते हैं, देन एएम पीएम चाहिए तो एएम स्लैश पीएम, ये इकट्ठा देना पड़ेगा आपको, ठीक है जी, ये फॉर्मेट। अब क्या करना है मुझे, इलाप्स वो चाहिए टाइम। अब 12:56 की जगह मैं कह रहा हूं 25:56, आगे बढ़ गया मैं, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया आपका, इलेप्स टाइम के लिए जब भी हम यूज करते हैं इसको करते हैं एच को बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसमें मैं क्या करता हूँ एक प्लस कर देता हूँ, इलेप्स को जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर हम देंगे तो ये इलेप्स टाइम दिखाएगा, एच को अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर करें इलेप्स टाइम। इसी तरह इसमें हमें चाहिए मिनट्स, टोटल मिनट कितने हुए, तो आप बड़े ब्रैकेट के अंदर एमएम दे सकते हैं, ठीक है जी, टोटल मिनट दिखा देंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसी तरह सेकंड कर देंगे तो ये टोटल सेकंड दिखा देगा, ये टाइम इलेप्स के लिए होता है, ठीक है जी। तो कई बार हमें ये फॉर्मेट देना होता है कि भैया कितना घंटे हो गए, तो बड़े ब्रैकेट में दे दिया, कॉलन डाला मिनट डाल दिया और फिर मैंने डाला कॉलन एस एस सेकंड डाल दिया, ठीक है जी। तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप अपने टाइम को डील कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग में आप कंडीशंस को भी डील कर सकते हैं। दो नंबर है कंडीशंस के लिए, क्या करते हैं हम लोग कस्टम फॉर्मेट इसमें बड़े ब्रैकेट के अंदर ही कंडीशन डालते हैं, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो इसमें ब्रैकेट में कर देता हूं मैं रेड सेमीकॉलन के साथ,
वैल्यू 100 से यहाँ पे दे देता हूँ रेड ब्रैकेट में रेड और यहाँ कर देता हूँ लेस देन 100 ब्लू ठीक है जी। तो जब भी लेस देन 100 हुई वो रेड हो गई, ग्रेटर देन 100 हुई तो ब्लू हो गई, नहीं लेस देन 100 हुई तो ब्लू हो गई और ग्रेटर देन 100 हुई तो रेड हो गई। ये आप इसके अंदर ये देख रहे हैं कोड बन गया है, ठीक है ना। इस तरह से इसके कंडीशन हम दे सकते हैं, छोटी मोटी कंडीशन इसके अंदर। बाकी इसको अगर आपको डिटेल में समझना हो तो अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस कीजिए और कस्टम फॉर्मेट टाइप कीजिए। कस्टम नंबर फॉर्मेट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इसको हमें ऑनलाइन में देखना पड़ेगा। ऑल एक्स क्रिएट एंड डिलीट अ कस्टम नंबर फॉर्मेट। कस्टम नंबर फॉर्मेट को देखेंगे ये तो थे आपके कुछ कलर, यहां से देखते हैं कि आप कौन से साइन जो है विदाउट इन्वर्टेड कॉमास से यूज कर सकते हैं। आपको उसमें जैसे उसके आगे चाहिए तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के ये सारे साइन यूज कर सकते हैं। दूसरा जीरो के बारे में बताया था, डिजिट सेपरेटर होता है, हैश के बारे में बताया था। इसका क्वेश्चन मार्क का मैं बताता हूँ, इसका फ्रैक्शनल्स में यूज होता है और आपका अलाइंड उसके साथ डेसिमल्स के साथ। तो यहाँ सैंपल देखते हैं, अगर 1234.59 को 1234.6 के जैसा आपको दिखा रहा है तो क्या करेंगे, चार बार हैश लगाया डॉट हैश, ठीक है जी। 8.9 को आपने दिखाना है 8.900, तो हैश डॉट 000। इसमें क्या कर रहा है, ये इंसिस्ट कर रहा है कि अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो आगे जीरो लगा देगा, ठीक है। हैश का मतलब है आगे हो भी सकती है वैल्यू, नहीं भी हो सकती। 0.631 को 0.6 की तरह दिखा रहा है, 0. हैश कर दिया, तो हैश का मतलब है सिंगल डिजिट, तो या सिंगल डिजिट दिखा रहा है आपको, ठीक है जी। 12 को 12.0 दिखाना है तो हैश 0.0 और हैश, इस हैश का मतलब है कि आगे कुछ भी हो सकती है। अगर ये हैश नहीं लगाते हैं तो अगर 12.568 अगर होगा कैसे दिखाएगा, 0.57, मतलब सेम कोड आपका दो जगह काम कर रहा है। अगर कुछ नहीं है तो सिंगल जीरो दिखा दिया, अदरवाइज आपका जितनी डिजिट है और हमने एक जीरो हैश के बेस पे दो डिजिट अलाउड कर दिया तो दो डिजिट तक दिखा रहा है। अगर वैल्यू कम होगी तो यहाँ जीरो दिखाएगा सिंगल डिजिट में, क्योंकि कंपलसरी सिंगल डिजिट हमने कर रखा है जीरो के साथ, ठीक है जी। अलाइंड डेसिमल क्या होते हैं, यहाँ पे डेसिमल में कुछ वैल्यू पड़ी है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कभी डेसिमल इधर है कभी इधर है कभी इधर है, इसमें क्या है डेसिमल एक ही लाइन में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी जीरो हैश की तरह डिजिट का प्लेस होल्डर है। इसमें कहा कि तीन डिजिट पहले आएंगी फिर डेसिमल आएगा फिर उसके बाद तीन डिजिट, तो यह क्या करेगा फिल नहीं करेगा पर इसका स्पेस छोड़ देगा,
यहाँ आगे इसने एक डिजिट का स्पेस छोड़ दिया, यहाँ इसने पीछे एक डिजिट का स्पेस छोड़ दिया, यहाँ इसने दो डिजिट का स्पेस छोड़ा है, आगे दो डिजिट का स्पेस छोड़ा है, मतलब कुल मिलाकर अलाइन जो डेसिमल है वो आपके अलाइनमेंट में है। ठीक है, इनका जैसे नंबर फॉर्मेट करना है 23 का, मैं अगर कुछ नंबर फॉर्मेट चेंज करना है तो क्या करूंगा, जैसे डबल डेसिमल में दिखाना है, मैं क्या करूंगा 0.00 लगा दिया। ठीक है जी, अगर मैं हैश 0.00 लगाता हूं तो क्या दिखाएगा, यहां पे मैंने 0.23 डाला तो ये 0.23 दिखाएगा, ना कि 0.23, क्योंकि हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में हैश दे रखा है और हैश इंसिस्ट नहीं करता कि आप उसको जीरो से फिर okay. इसी जगह अगर हम 0.00 दिखाते तो 0.23 दिखाता है। ठीक है जी, डबल 0.23 दिखाएंगे, डबल 0.23 दिखाएगा, तो हल्का सा अंतर है इसमें हैश और सब चीजों में। इसी तरह हम करते हैं उसको, यहाँ पे डेसिमल अलाइन करने हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, 3 बार क्वेश्चन मार्क अलाइन हो गए, डेसिमल अलाइन हो गए। फ्रैक्शनल को कैसे डील करेंगे इसमें, मान लीजिए यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू दिखानी है हमें, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, हैश डिवाइड हैश, हैश डिवाइड हैश में क्या दिखा रहा है, इकट्ठा दिखा रहा है। अगर इसी के आगे मैं एक हैश लगा के और स्पेस दे देता हूं, इसका मतलब है एक डिजिट फिर फ्रैक्शनल। ठीक है सर, और जिस तरह अलाइंड डेसिमल किए थे इसी तरह अलाइंड फ्रैक्शनल चाहिए, तो आप हैश की जगह क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर क्वेश्चन मार्क का यूज खाली अलाइनमेंट के लिए होता है। तो ये आपके यही अलाइन रहेंगे। बाकी देखते हैं 12,000 जैसा लिखा हुआ, 12,000 में कॉमा का सेपरेटर लगाया है इन्होंने, अब इसमें 1000 का सेपरेटर लगाना हो तो कैसे होगा, हैश कॉमा हैश हैश हैश, जब 0,0 चाहिए तो 0,0 लगा दिया। ठीक है जी, अब ये कॉमा का सेपरेटर है, अगला कॉमा सेपरेट कब करेगा ये, इसको जनरल में करता हूं और इसमें एक और 0 बनाता हूं। अगर मैं इसमें नंबर फॉर्मेटिंग में जाता हूं और 1000 का सेपरेटर यूज कर देता हूं, तो ये क्या कर रहा है, अगला सेपरेशन जो कर रहा है वो 1,000,000 में कर रहा है, मिलियंस में दिखाता है, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू होती है मैं क्या करता हूं इसमें हैश डबल कोमा दिखा देता हूं, डबल कोमा का मतलब है
वैल्यू इन मिलियंस, ठीक है जी। जैसे मैंने वैल्यू इन करोड़ कल आपको दिखाया था, अगर डबल कॉमा मैंने यूज कर दिया इसमें तो ये मुझे दिखा रहा है वैल्यू इन उसमें मिलियंस में। अगर सिंगल कॉमा कर देता हूँ इसी तरह से है सिंगल कॉमा, तो वैल्यू इन थाउजेंड दिखा रहा है, 100,000, ठीक है जी। तो आपका यहां से भी ये चीज हो सकती है, पर क्या है कि मिलियन मिलियन में तो हम काम करते नहीं, हम तो करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में। अब इंडियन में कॉमा लगता है लाख के बाद, तो यहां लगाते हैं चलिए इंडियन नंबर फॉर्मेट। इंडियन नंबर फॉर्मेट लगाने के लिए हमें कंडीशंस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले से तो कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि अगर वैल्यू जो है एक लाख से बड़ी है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख है, तो हम कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, हैश कॉमा हैश हैश कॉमा हैश 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 डॉट 0,0। पर ये जो कॉमा है, ये जो सेपरेटर है, ये तो 10 लाख का है, तो इसका जो इफेक्ट है उसका रिवर्स करने के लिए हम इसमें एक चीज लगाएंगे बैक स्लैश। अब ये थाउजेंड सेपरेटर, थाउजेंड या मिलियन सेपरेटर की तरह काम नहीं करेगा, एक बस कीवर्ड की तरह काम करेगा। आप इसकी जगह स्टार लगाना चाहे स्टार लगा सकते हैं, डैश लगाना चाहे डैश लगा सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए हमने उसको यूज किया। अब 10 लाख से बड़ी, जब वैल्यू 1 लाख से बड़ी है तो ये फॉर्मेट यूज करें। अगली कंडीशन सेमी कॉलन के साथ लगेगी। अगर वैल्यू जो है 1,000 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1,000 है, तो उस केस में कौन सा फॉर्मेट यूज करें, हैश हैश इसके साथ ही लगाएंगे, हैश 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 फिर से 0.0 हैश हैश। अच्छा यहां खाली 1,000 से छोटी है तो ये लगा दिया, ठीक है जी। देखते हैं 123, 156 है, 1,000 डाला मैंने, 1,000 पे आ गया, 23 डाला, खाली 23 डाला मैंने तो ये वैल्यू डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मेट अवेलेबल ही नहीं है। तो एक मेरे को जनरल फॉर्मेट देना पड़ेगा जो हर केस में अप्लाई हो, वो है हैश डॉट 0,0, ठीक है जी। यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, ये जनरल है। तो आपकी नॉर्मल वैल्यू भी दिखाएगा, 1,000 से बड़ी वैल्यू को भी दिखाएगा, और 1 लाख की वैल्यू तो वो भी दिखाएगा, ठीक है ये। इसी तरह वैल्यू आपको करोड़ में ले जानी है तो इसी की तरह की एक कंडीशन और लगा देंगे इसमें बना के। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यहां पे, पेस्ट करके ये डाल दिया। इसके आगे मुझे चाहिए होगा हैश और ये कॉमा, उसके आगे एक हैश, और वैल्यू जो है हमारी 1 करोड़ डाल दी। लगता है इसकी लिमिट ओवर हो गई।
नॉट यूज नहीं कर सकता, तो ज्यादा ही बड़ा हो गया, क्या करें। 7 0 है क्या? 1 2 3 4 5 नहीं यूज कर सकते। चलिए कोई नहीं, जहां तक कर रहा है वहां तक, फिर लास्ट तक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है जी। बाकी देखता हूँ, मेरे पास था तो सही, इंडियन नंबर फॉर्मेट मैंने बनाया था पिछली बार, यहाँ कौन से का फॉर्मेट। अच्छा करोड़ का लगा हुआ है, उसमें मैंने ज्यादा कंडीशन डाल दी, इसमें करोड़ तक ले गया हूँ, कंडीशन सही। ये मैंने कर रखी, ये भी यही यही कोड है। लाख से ऊपर में ये कर रहा है, 10 बाकी जो है नॉर्मल कर रहा है। अच्छा 1000 तक तो प्रॉब्लम थी ही नहीं, एक्चुअली ज्यादा कंडीशन नहीं डाल सकते, तो इसमें क्या हुआ है, इस कोड में 1000 की जरूरत नहीं, क्योंकि 1000 के लिए हमारे पास ऑलरेडी हम सिंगल कॉमा वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्योंकि वो 1000 सेपरेटर तो सही है, आगे की प्रॉब्लम है, तो 1 लाख से बड़ी वैल्यू में प्रॉब्लम है, तब हम इसी तरह से ये फॉर्मेट हमने बना रखा है, ठीक है जी। तो अब इसमें यूज करेंगे जैसे 12 करोड़ 36 लाख 35 हजार 6, तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो कस्टम फॉर्मेट है सर, इसको बना के कहीं उसमें टेक्स्ट फाइल में सेव करके रख लें, क्योंकि तो आपके एक ही फाइल में यूज हो सकता है। कस्टम फॉर्मेट जो होते हैं इनका स्कोप सिर्फ उसी फाइल तक रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐड हो जाएगा हमेशा के लिए, तो इससे बेहतर है इनको कहीं सेव करके रखते हैं। दूसरा, अभी तक जितना भी मैंने बताया, जितने भी फॉर्मेट मैंने बताए, ये थे, ये डेटा की विजिबिलिटी को चेंज नहीं करते हैं, विजिबिलिटी को चेंज करते हैं, एक्चुअलिटी को, रियलिटी को उसकी चेंज नहीं करते। अगर आपको रियल में वैसी वैल्यू चाहिए तो आप उन्हीं फॉर्मेट के साथ टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के फॉर्मूले में क्या है कि आप वैल्यू चूज करेंगे, कॉमा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे, तो ये आपको उस फॉर्मेट में रिजल्ट दे देगा। ठीक है जी, सारे आप फॉर्मूले ये आपको टेक्स्ट में रिटर्न कर देता है। ठीक है जी, पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे, वैसा आ जाएगा, टेक्स्ट में आ जाएगा आपके पास फ्रेम। ठीक है जी, मतलब कि इसमें तो आप चेक नंबर जो थे हमने खाली विजिबिलिटी चेंज करी थी, आप इसको कॉपी करके कहीं भी वो करेंगे तो इस वैल्यूज, तो ये चीज वो नहीं रह जाती, नंबर चेंज हो रहे हैं। पर इसी को अगर मैं टेक्स्ट के थ्रू करूं, तो ये चीज चेंज हो जाती है। तो मैं चेंज करके कॉपी पेस्ट स्पेशल करूं पेस्ट एज वैल्यू, तो मुझे टेक्स्ट में लिखता है, जैसा भी आपका यूज है आप इसको यूज कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट भी इसके साथ। दूसरा, टेक्स्ट में इसका लिमिटेड यूज है, एक तो टेक्स्ट का फॉर्मूला हो गया और बाकी हमें जैसे टेक्स्ट यूज करने होते हैं उसमें लिमिटेड यूज है। मान लीजिए हम नेम की फील्ड बनाया, हम क्या करते हैं जब भी फॉर्मेट बनाते हैं तो अंडरस्कोर को ऐसे खींचते चले जाते हैं ताकि एक फॉर्मेट जैसा दिखे,
ऐसे करके फॉर्मेट बनाते हैं, कॉलम एडजस्ट करते हैं, वो सब एडजस्ट नहीं होता, गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, एक कस्टम फॉर्मेट हमारे पास जो होता है टेक्स्ट के लिए हमेशा यूज करते हैं एट द रेट। इस वाले टेक्स्ट का जो प्लेस होल्डर रहता है, जो भी इसमें डलेगा उसका प्लेस होल्डर है एट द रेट। उसके बाद मैंने क्या करना है, स्टार दबाना है। स्टार का आपका काम आता है रिपीटेशन के लिए, और मैंने कर दिया अंडरस्कोर, मतलब जब तक कॉलम वेट दे ये रिपीट कर देगा, जैसे इसमें नेम डालूंगा बाकी रिपीट कर देगा। ठीक है, रिपीट डेजिग्नेशन रिपीट, जैसे कॉलम वेट बनाएंगे ये आपके कॉलम वेट के अकॉर्डिंग जाएगा, ये रिपीट कर रहा है। दूसरा, कई बार हम कंपनी नेम डालते हैं और मैं सर्च करके कोई नाम डालते हैं, इस तरह के नाम इनके साथ पहले से ही, या कोई हम नाम डाल रहे हैं मिस्टर पहले आ जाए, इस तरह से करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज डाल देंगे, डाल दिया, ठीक है, स्पेस और दे देंगे क्योंकि स्पेस से ज्वाइन होगा इससे, एट द रेट। ठीक है जी, एट द रेट का मतलब है इसके बाद जो इसके अंदर लिखा जाएगा वो रिपीट हो जाएगा, रिपीट इन देंस मतलब एक ही बात। अब मैं डालता हूं कुछ भी, तो ये आप पहले से प्री डिफाइन फॉर्मेट है जिनको मतलब आप अपने हिसाब से बना बना के यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका सारा का सारा नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट और कस्टम फॉर्मेट जैसा कि आप एक्सेल में यूज करेंगे। ठीक है, ये कस्टम में बहुत यूजफुल है सर। हाँ है, अब है तो सर सब कुछ ही यूजफुल, पर इसमें मालूम नहीं होता ना कई बार, इसके अंदर मतलब इतने एग्जाम्पल है आपने देखे। अब ये जो कस्टम फॉर्मेट का है इसको एक बार देख लीजिएगा, हालांकि मैंने सारी चीजें बता दी, ये MM वगैरह के डेट वगैरह के सारे रेफरेंसेस इसके अंदर है कि किसको कैसे दिखाना है, तो कौन सा कोड यूज करेंगे, जो भी मैंने बताया सब कुछ है। ठीक है जी, टाइम का भी है, और बाकी अगर आपको कोई कस्टम फॉर्मेट नहीं पता पाता तो आप गूगल पे तुरंत सर्च मारिए कि कस्टम फॉर्मेट फॉर पेज, कस्टम फॉर्मेट फॉर इंडियन करेंसी, तो आपको साइटें इतनी मिल जाएंगी कोई भी, इसमें दुनिया भर के ये देखिए कस्टम फॉर्मेट सेम वही है। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत वगैरह आती है मतलब, अब एडवांस चीज है इसके लिए गूगल से टच रहना जरूरी रहता है, सारी आपको इसमें डिटेल्स मिलती रहेंगी। ये जो वेबसाइट में दिखा है वो तो पेड होता है या कुछ भी है? हाँ जी सर, चंदू.com जो आपने दिखा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, चंदू पे बहुत आती है। देखिए सर, इसमें ना फ्री भी है और वो भी है, अब जैसे हम लोग को भी सीखना होता है ना कोई नई चीज, तो हम लोग भी यहीं से सीखते हैं। मोस्टली आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए सबसे बेस्ट, अब यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है आपको वो सर्च आपको मिलेगा, वी लुकअप, दुनिया भर के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, सारी वीडियो कैसे कैसे लगा रहे हैं बहुत सारे, एडवांस एक्सेल करके सर्च मारेंगे उसमें तो सबसे पहले क्या हमारे ही आ जाते हैं, एडवांस
स्पेलिंग गलत करती। जैसे एडवांस एक्सेल डालेंगे इसमें हमारा पहले आ जाता है, ये हमारी सारी वीडियो में। बाकी आपकी बहुत सारी साइटें ऐसी हैं, यूट्यूब तो एक लिंक है, बाकी साइटें भी कुछ ऐसी हैं जिसमें तुरंत रेफरेंस मिल जाता है। अब करते हैं सर फिल्टर एंड सॉर्टिंग। मैं तो 5 मिनट का ब्रेक ले लूं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ आराम से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ओके सर, इसको ऑन रहने दीजिएगा। हाँ जी सर स्टार्ट करें। हेलो 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 अब करेंगे हम फिल्टर एंड सॉर्टिंग। ठीक है जी। अब फिल्टर एंड सॉर्टिंग में क्या होता है कि जब हम कुछ भी चीज फिल्टर करते हैं, सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग में क्या होता है कि एक जैसे ये संदीप का डाटा है तो संदीप को एक साथ कर देना, कितने संदीप हैं एक साथ, या इनको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अल्फाबेटिकली इनको सॉर्ट करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, आप इसमें से जिस भी कॉलम के आगे जाएंगे इन पे किसी पे भी क्लिक कर देंगे और यहाँ पे होम टैब के अंदर हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, एक तो सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा सॉर्ट होके आ जाएगी वैल्यू। अब ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट तो है ही, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करेंगे तो सबसे लेटेस्ट डेट यहाँ आ जाएगी और बाद वाली नीचे चली जाएगी, तो सॉर्ट हो जाएगा। इस कॉलम के हिसाब से बाकी सारी वैल्यूज भी आपकी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसको जैसे मैंने सॉर्ट करना है, सॉर्ट ए टू जेड। ठीक है जी, ए टू जेड में अल्फाबेटिक सॉर्ट हो गया है। दूसरा अगर मैं सेल्स में करूं सॉर्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको कहते हैं सिंगल लेवल सॉर्टिंग होती है हमारी। ठीक है जी। बाकी आप देखेंगे तो कस्टम सॉर्ट है हमारे पास। अब कस्टम सॉर्ट में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें आप डबल लेवल की सॉर्टिंग कर सकते हैं, डबल ट्रिपल अप टू 64 लेवल्स आप सॉर्टिंग कर सकते हैं कॉलम जाना है तो। आप तो पहली सॉर्टिंग में जैसे लगा देता हूं नेम पे, नेम ए टू जेड होने चाहिए, देन एड लेवल। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो नेम है इनमें जो हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए, पहले लार्जेस्ट आ जाए, तो यहां से हम चूज कर सकते हैं, यहां से नेम और यहां से ऑर्डर चूज कर सकते हैं। Z टू A टू Z नंबर्स के लिए ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहां से दिखा रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ही मैंने किया हरी से एक साथ हो गया, अब 89 इसमें हाईएस्ट वैल्यू थी, नीचे चलते गए चलते गए चलते गए, और जैसे ही यहां पे चेंज हुआ फिर से ये हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब पहले ये वाली वैल्यू सॉर्ट हुई देन बाय इसके हो गया। ठीक है जी, ग्रुप से बन गए इसमें। अब सॉर्टिंग जो है आपका इसमें सॉर्टिंग खाली वैल्यू के बेस में नहीं, किसी भी उससे कर सकते हैं, और भी चीजें हैं जिसके थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहां पे मैं कुछ ऑडिट किया, मैंने यहां पे मैंने कुछ कलर कर दिया, ये कुछ प्रॉब्लमेटिक वैल्यूज हैं, यहाँ कुछ कलर कर दिया, इधर पूरे डेटा में कोई हाईलाइट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जाना है कस्टम सॉर्ट में। अब मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज हैं जो मैंने हाईलाइट किए वो सबसे ऊपर आ जाए, तो सेल्स के फील्ड में है वो, मैं डिलीट कर देता हूँ लेवल, एड लेवल करता हूँ, यहां से सेल्स में है
तो सॉर्ट ऑन वैल्यूज नहीं, सेल कलर। अब सेल कलर यहाँ पे जो अवेलेबल कलर है वो यहाँ दिखा देगा मुझे, ठीक है जी। उनको कहाँ रखना है, ऑन टॉप रखना है, ऑन बॉटम रखना है, टॉप पे रखना है। ओके, इकट्ठे आ गए, ठीक है जी। इसी तरह से फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर के बेस पे भी सॉर्टिंग हो सकती है। यहां से नेम पे मैंने किया है, या इसको टॉप में रखते हैं, एड लेवल और कर सकता हूं मैं। इसमें नेम ले लिया, यहां से मैंने फॉन्ट कलर ले लिया, और जो अवेलेबल फॉन्ट कलर होंगे इसमें ये मुझे इसके अंदर दिखा देगा। रेड है पहला, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है जी। तीसरा है इसमें एक सेल आइकॉन। सेल आइकॉन क्या होते हैं अपने, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है, नेक्स्ट में मैं अभी आपको बताऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ आइकॉन्स होते हैं, तो इन आइकॉन के वे से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल आइकॉन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो सेल आइकॉन जितने भी होंगे वो यहाँ दिखा देगा, राइट वाले और टॉप में रखने हैं। इसमें तीन है, क्रॉस का, एक्सक्लेमेशन है और राइट है। मैं इसी को ही वापस सॉर्ट कर सकता हूँ। मैंने दोबारा सेल सिलेक्ट किया, सेल आइकॉन, मैंने कहा टॉप में जो है वो राइट का साइन आ जाए और क्रॉस वाला जो है वो बॉटम में आ जाए, बीच में अपने ऑटोमेटिक वो आ जाएगा एक्सक्लेमेशन वाला। ये बीच में एक्सक्लेमेशन आ गया और लास्ट में ये क्रॉस। अब एक और चीज करते हैं, इसमें मैं मंथ नेम निकाल लेता हूं, ठीक है। टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के MMM डेट से निकाल लिया मैंने, यहां मैंने मंथ दे दिया, यहां मैंने मंथ नेम आगे डाल दिए इनके। अब मंथ नेम वाइज मुझे सॉर्ट करना है, अब मंथ को अगर मैं सॉर्ट करता हूं तो क्या होना चाहिए मुझे, तो करना होता है मंथ जब भी करना होता है तो जनवरी फरवरी होता है, पर ये चलाएगा कि अल्फाबेट के हिसाब से हो गया। यहां तो अप्रैल पहले आ गया, फिर अगस्त आ रहा है, फिर दिसंबर आ रहा है, एबीसीडी टाइप में होने लग गया। अब मुझे ये चाहिए कि जनवरी फरवरी अपने पूरे सीरियल में आना चाहिए वैसा, तो उस केस के लिए क्या करेंगे। कल मैंने आपको कस्टम फॉर्मेट दिखाए थे, अब कस्टम फॉर्मेट में क्या था, कस्टम लिस्ट दिखाई थी, तो कस्टम लिस्ट में क्या है कि ये लिस्ट पहले से पड़ी हुई है, आप इसमें चूज कर सकते हैं ए टू जेड, जेड टू ए के नीचे कस्टम लिस्ट, और इसमें से जैसे ये जैन फैब वाला ये रहा, ये मैंने चूज कर दिया, ओके किया। अब जनवरी आपका पहले आ गया, फरवरी बाद में, मार्च अप्रैल, मतलब अपने सही ऑर्डर से हो गया। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, जैसे जो जो चीजें कंप्यूटर को नहीं पता है, अपनी लिस्ट बना के, जैसे जनवरी फरवरी हो गया, डेजिग्नेशंस हो गई, या कुछ ऐसी रैंकिंग हो गई जिसको हम जानते हैं कंप्यूटर को नहीं पता, तो उसके बेस पे हम कस्टम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर। तो ये तो हो गया आपका कस्टम सॉर्टिंग, सॉर्टिंग हो गया। अब सॉर्टिंग में एक और चीज मैं बता देता हूँ, बीच में एरर क्या आती है, मान लीजिए अगर इस डेटा के बीच में गैप होगा तो जो भी आपकी सॉर्टिंग होगी वो सिर्फ इतने पे होगी, ये सिर्फ आपकी इतने पे ही होगी। मतलब इतनी वैल्यू पे होने लगी खाली, बीच में अगर गैप है, और अगर एक भी पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है यहां से तो ये पूरे पे होगी, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना होता है कि हमारी सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं।
मान लीजिए नहीं है, ऐसे गैप्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी गैप है, अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, पहले तो आप सिलेक्ट कर लीजिए सारा डाटा, ठीक है जी, देन सॉर्टिंग वगैरह के लिए जाइए, अब करेंगे तो होगा, सारा होगा, ठीक है जी, और सबसे नीचे पहुंच गए, ठीक है जी। तो ये तरह सॉर्टिंग ऐसा ही फिल्टर में भी होता है, फिल्टर भी कभी कभार क्या होता है कि हमारा आप यहां से लगाया आपने फिल्टर, आप फिल्टर में इसमें आगे दिखाई नहीं रहा है, आगे वैल्यू ही नहीं है, ये देखिए वो खाली गैप की वजह से होता है, जैसे ही जोड़ेंगे सारी वैल्यू आ जाएगी, किसी भी पॉइंट से जुड़ जाएगा सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है जी। अगर नहीं जुड़ता है तो इसको भी क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है, और देन आपको यहाँ पे यहीं से फिल्टर लगेगा, ठीक है जी, यहाँ से फिल्टर लग गया, अब आपका सारा इसके अंदर है। मान लीजिए ब्लैंक रो डिलीट करना है आपने, या तो इसको ब्लैंक को सॉर्ट कर दीजिए, अदरवाइज आपको पता है कि इसमें ब्लैंक नहीं है हमारे इसमें, तो यहां से ब्लैंक सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर सकते हैं ब्लैंक डेटा को, ठीक है जी, तो ब्लैंक आपके बीच में से गायब हो जाएंगे। चलिए आप देखते हैं इसमें हम आगे और क्या कर सकते हैं, फिल्टर को कैसे डील करना है। फिल्टर हमारे हर जगह अलग अलग तरह के होते हैं, डेट में अलग होता है, नेम में अलग, टेक्स्ट में अलग होता है, नंबर में अलग होता है। तो डेट फिल्टर को देखते हैं सबसे पहले। डेट में क्या होता है कि इस तरह से आपका पहले ईयर बना हुआ आ जाता है, उसके प्लस को खोलेंगे तो मंथ बने हुए आ जाएंगे, फिर उस मंथ को खोलेंगे तो ये आपके डेज बने हुए आ जाएंगे जो भी होंगे उसमें, इस तरह से डील कर। मान लीजिए आपको किसी का फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, करंट मतलब ये लगा लीजिए कि 13 से 14 का, अप्रैल 13 से लेकर मार्च 14 का, क्या करेंगे, अप्रैल 13 से लेकर मार्च 14 का, तो 13 पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे ऊपर से 3 गायब कर देंगे अनचेक, और क्या करेंगे 14 में जो है वो आप मार्च तक सिलेक्ट कर लीजिए, तो उसी के बीच का डेटा आ गया, ठीक है जी। तो इनको तो ऐसे डील किया जाता है, बाकी अगर इस फॉर्मेट से अलग आपको अगर कुछ दिखा रहा है ना, यहाँ पे अगर कई फॉर्मेट क्या होता है कई बार हम वो गलत डाल देते हैं, इस तरह से अगर डेट पड़ी होगी जो कि फॉर्मेट में नहीं होगी वो आपको अलग से दिखा देगा यहाँ प्लस माइनस के बगैर में, तो ऐसी डेट्स को आप सिलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो इसके भी और भी शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसके थ्रू ये एक बारी में सही हो जाएंगे सारी, कैसी भी डेट हो कभी भी। तो डेट्स को, डेट फिल्टर मेनली यहां से शुरू होता है जब भी हम देखते हैं, यहां पे हमारे कुछ फिल्टर हैं, अब जैसे ही करेंगे यहां पे तो एक डेट फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे ऑप्शन है इक्वल्स जो है कोई डेट है आपकी वो सारी लिस्ट वाली डेट दिखा देगा इक्वल्स टू उसके बराबर वाली डेट, आप चेक करके भी चूज कर सकते हैं। वैसे दूसरा है बिफोर, बिफोर में क्या होता है कि इससे पहले की डेट, बिफोर मैंने कह दिया कि 7 दिसंबर 2011 से पहले वाली डेट है, उसने 7 दिसंबर 2011 से पहले वाली डेटों की लिस्ट दे दी। आफ्टर, आफ्टर में दे दिया आपने कोई की 14 जनवरी 2020 के बाद वाली डेट, 14 जनवरी 2020 के बाद वाली डेट आ गई। बिटवीन, किसी एक पर्टिकुलर ईयर की आपने करनी है या कुछ भी करना है
मैंने कहा 19 अगस्त 2011 से लेकर 11 दिसंबर 12 तक की दिखा दो, तो उसके बीच की आ गई, उसके बीच की डेट्स आ गई। इसके बाद टुमारो, अगर कल वाली डेट इसमें पड़ी होती है, मतलब कल है हमारी 20 जून, अगर 20 जून इसमें कहीं पड़ी होगी कहीं भी पड़ी हो इसमें, तो ये मेरी उससे आ जाएगी, आ गई। इसी तरह टुडे वाली अगर होगी तो आ जाएगी, टुडे वाली आ गई। इसी तरह यस्टरडे वाली भी है, मतलब जो बीत गई है वो अगर आपने दी होगी तो आ जाएगी वो भी। और ये आपने एक बार फिल्टर लगा के छोड़ दिया तो वो पिछला कल, पिछला कल, ऐसा नहीं कि आपने फिक्स कर दिया कि 20 जून तो 20 ही जून, टुमारो टुडे यस्टरडे में अपने आप उठाएगा, नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में। अब मान लीजिए आपके पास एक चेक की लिस्ट है और जो अगले महीने एक्सपायर होने वाली है, आप इसको इस पे लगा के छोड़ सकते हैं, हमेशा बदलती रहेगी। दिस वीक, इस वीक में कोई ऐसे बिल्स हैं जो हमें निकालने हैं तो इस वीक के दिखाता रहेगा। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में कुछ ऐसा काम था या पिछले हफ्ते की कोई पेंडेंसी चल रही है, यहां से दिखा देगा। नेक्स्ट मंथ, आगे आने वाले मंथ में कोई प्रोजेक्ट्स हैं उनको, मतलब टोटल डेट के हिसाब से दिस मंथ, इस मंथ के कुछ जो भी होगा, लास्ट मंथ, बीते हुए मंथ के। इसी तरह इसमें कैटेगरीज हैं, नेक्स्ट क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर के, दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर के। इसको अलग से निकालने में काफी टाइम लगता है, पर फिल्टर में जो है आपके पास डायरेक्टली आप ये सब देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर, बीता हुआ क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर, इसी तरह है। ईयर टू डेट करेंगे तो क्या होगा कि एक जनवरी से लेकर आज तक की डेट के आपको सारे वो दिखा देगा एंट्रीज। जैसे आज 19 जून है तो 1 जनवरी 2014 से लेकर 19 जून 2014 तक के बीच का डेटा है, ईयर टू डेट, ठीक है जी। फिर उसके बाद है आपका ऑल डेट्स इन दिस पीरियड, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, जनवरी, फरवरी, मार्च, डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट आप चूज कर सकते हैं। पर इनमें क्या होगा ना, जैसे आप जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी जनवरी दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल 14 वाली जनवरी, सारी जनवरी दिखाएगा, ठीक है जी। तो ये चीजें आप डेट फिल्टर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर में क्या होता है, यहां तो नॉर्मल ही है आपका टेक्स्ट फिल्टर जो है इक्वल्स टू, कोई नाम डाल दिया मैंने कि इक्वल टू इसके आ जाए तो वो हमें फिल्टर करके दिखा देता है, बाकी डज नॉट इक्वल टू, इसको छोड़ के बाकी सारे हो तो बाकी सारे दिखा रहा है, ठीक है। बिगिंस विद, बिगिंस विद मैंने कहा एस से स्टार्ट हो, जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं वो दिखा रहा है, कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं हम। एंड्स विद, एंड्स विद मतलब कोई भी टी से एंड हो रहा है जो, तो एंडिंग जिसकी टी से हो रही है ये दिखा रहा है मुझे। बिगिंस विद, एंड्स विद के बाद कंटेंस, मतलब बीच में कहीं भी डबल ई आए तो ये दिखा रहा है, ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, बीच में भी कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन, डबल ई वाले दिखाओ मत, सारे बाकी उसके छोड़ के बाकी सारे दिखा दिए। देन आपके पास आता है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में क्या होता है, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, वैसे ही है सेम नंबर। ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन मैंने बोला 50 वाले दिखाए, ग्रेटर देन 50 वाले दिखा रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 मतलब जो बड़े भी हों और बराबर भी हों, खाली ग्रेटर देन में वो
बड़े वाले दिखाता है, उसके बराबर नहीं दिखाता। लेस देन और लेस देन इक्वल टू इसी तरह है। लेस देन मैंने बोला कि 20 से कम वाले दिखाओ, और लेस देन इक्वल टू मैं 20 इंक्लूडिंग 20 से कम वाले। बिटवीन हो गया, मैंने कहा 10 से बीच की वैल्यू दिखाओ, 10 से बीच के बीच के जिनका भी है। नेक्स्ट टॉप 10। टॉप 10 का मतलब टॉप 10 ही नहीं है खाली, आप टॉप 20, टॉप 5 जितना भी चाहे आप उतना चाह सकते हैं, ले सकते हैं। तो टॉप 10 आइटम्स हो गए। एक है इसमें टॉप 10 में दो ऑप्शन आते हैं, आइटम है एक परसेंट है। आइटम और परसेंट में क्या होता है, आप यहां से टॉप भी चूज कर सकते हैं, बॉटम वाले भी चूज कर सकते हैं। टॉप भी हैं, बॉटम वाले कम वाले सबसे स्मॉलेस्ट 5 दिखा रहा है। इसमें क्या होता है कि आपके पास परसेंट वाले आइटम भी है, परसेंट बॉटम 5%। अब परसेंट में क्या हुआ कि जो हमने अगर पूरी सेल्स का टोटल करें उसमें से 5% सबसे कम वाले 5% जितना डाटा कवर कर रहे हैं तो वो ये है, यानी कि इनका टोटल जो दिखाएंगे वो इक्वलेंट टू 5% होगा टोटल सेल्स के। तो ये टोटल 5% है बॉटम 5% में से, और इसी को हम चाहें तो टॉप 5% अगर हम चाहें तो ज्यादा वाले में से होगा, ये ज्यादा में से टॉप 5% अबव एवरेज, एवरेज से अबव जो होंगे, जो मतलब इनकी एवरेज है इससे ऊपर में होंगे जो भी, वो फिल्टर हो जाएंगे। बिलो एवरेज में एवरेज से बिलो वाले हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके नंबर फिल्टर रहे। बाकी इसमें सब में आपके पास एक कस्टम फिल्टर है। कस्टम फिल्टर के अंदर वही सारी कंडीशंस है, टोटल इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन एंड्स विद डज नॉट एंड विद कंटेन्स बिगिंस विद, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर भी मिल जाते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एंड और दो चीजें होती हैं इसमें, एंड और में से बीच में से किसी को भी आप स्विच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसमें से कोई नाम चूज करता हूं कस्टम फिल्टर में, मैंने कहा इक्वल टू एक नाम दे दिया मैंने कोई भी, यहां से ये चूज कर लिया प्रदीप, और एंड में मैंने दे दिया इक्वल्स टू कोई और दे दिया प्रकाश, तो अगर मैं इसे ओके करूंगा ना, मतलब ये कह रहा है कि या तो ये तो प्रदीप हो और जो हो या तो प्रकाश हो, दो चीज दे रहा है, तो कोई भी नहीं दिखाएगा। मतलब वो कंडीशन आपकी दोनों में ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब है कि तो दोनों ही होना चाहिए, अगर आप और लगा देते हैं या तो ये हो या तो ये हो, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू उसे सेल में मिल जाती है तो अलाउ कर देगा उसे दिखाने के लिए। अल्टीमेटली इन दोनों का ही डेटा दिख जाता है, ठीक है जी। तो ये थे सर आपके फिल्टर एंड सॉर्टिंग का, ठीक है जी। ये टोटल फिल्टर के बारे में है, और अब देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आपका जो वैल्यूज हैं ये बेस्ड अपॉन अ कंडीशन फॉर्मेट हो। फॉर्मेट क्या होता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी हम कलर वलर करते हैं, नंबर फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेटिंग होते हैं। तो जब किसी कंडीशन पे इसको लगा देते हैं कि ऐसा हो तब फॉर्मेट हो, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाती है, ठीक है। अब तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है। इसके लिए पहले आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है जी। Then, आपका यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसमें हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, मैं कहा ग्रेटर देन 50 वाले हाईलाइट कर दो, तो आप 50 वाले हाईलाइट कर दिए ग्रेटर देन 50 वाले, ठीक है जी। फॉर्मेटिंग आप यहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है जी।
दूसरा है इसमें लेस देन, मैंने कहा लेस देन 60 या लेस देन 80, लेस देन 10, 10 तो कोई हुआ नहीं, 20, ठीक है जी, जो भी करेंगे। अब जब इसको ओके कर देंगे क्या होगा, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गई है, अगर आपकी वैल्यू उससे एक्सीड करती है तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप हट जाएगी, जैसे कम आएगी अपने आप आ जाएगी, ठीक है जी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई होने के बाद आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज रूल में जाके, इधर आपके पास क्या कंडीशन लगी है और कौन सी फॉर्मेटिंग लगी है, किस सेल पे लगी है, आपको बता रहा है। कोई नई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से हमें पहले हमें पुरानी फॉर्मेटिंग जो है डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपस में मिक्सअप हो जाती है, फिर दिक्कत करती है, कभी वो चलती है कभी ये चलेगी, फिर प्रॉब्लम करेगी। बाकी देखते हैं बिटवीन, बिटवीन मतलब 30 से 70 के बीच के दिया दिखा रहा है, जो भी इसी तरह से इसमें कंडीशंस है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब यहाँ टेक्स्ट के लिए आ गई, जैसा हमने अभी फिल्टर वगैरह में पढ़ा है सेम वैसे ही चीजें हैं, जिसमें मैंने कहा ये वाला दैट कंटेन्स डबल ई आ गया, पी आ गया, ठीक है जी हरीश, ठीक है जी। तो कोई भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं कि जिसमें वो हो वो हाईलाइट कर देगा, और जब भी आएगा तब भी हाईलाइट कर देगा। डेट अकरिंग जो होता है इसके लिए होता है, डेट के लिए, कोई डेट पढ़ रही है किसमें से, यस्टरडे में से या टुडे में से, जैसे टुडे में ये पढ़ रही है कर गया, टुमारो में से, तो हम वो फिल्टर की जगह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, वो हमेशा आपको हाईलाइटेड दिखाएगा, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, वो सारे आपको यहाँ पे इनके हिसाब से हाईलाइट कर देगा, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है डेटा करिंग में। डुप्लीकेट वैल्यूज, जब इसमें कोई वैल्यू डुप्लीकेट होती है, डेट में तो कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो इसमें डुप्लीकेट में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं, यूनिक और डुप्लीकेट। यूनिक वैल्यूज सारी हाईलाइट हो गई, और डुप्लीकेट होगी तो हाईलाइट हो जाएगी। सपोज इसमें हमने कोई डेट डुप्लीकेट कर दी, अब कर रहे हैं तो ये क्या है, डुप्लीकेट वाली हाईलाइट कर देगा, जैसे ही डुप्लीकेट होगी वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। देन टॉप एंड बॉटम रूल्स, जो मैंने टॉप एंड बॉटम के वो बताए थे उसी तरह से ये भी है, टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप 10 आइटम्स, 10 में आप 5, 10 जितने मर्जी आइटम चूज कर सकते हैं, तो टॉप 10 आइटम ये हाईलाइट होगा इसमें, ठीक है जी। इसी तरह से बॉटम 10 आइटम, टॉप 10% भी वही है, परसेंट मतलब जिनकी परसेंट जो है कर रहा होगा उनको कर देगा, ठीक है जी। बाकी आप फिल्टर में भी कलर के थ्रू कर सकते हैं, फिल्टर बाय कलर है तो आपका अवेलेबल कलर दिखा देता है, इसमें कलर के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं आप, जैसे सॉर्ट करते हैं। दूसरा अबव एवरेज वाले कर दिए, इसी तरह बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज वाले कर देगा। डेटा बार्स देखते हैं, डेटा बार्स क्या होता है कि जैसे आपके कॉलम चार्ट होता है ना उसी टाइप से ही होता है ये भी, पर आपका इसमें ही आपको इफेक्ट दिखाता है विद इन सेल। अगर यहाँ पे वैल्यू 10 हो तो ये कम दिखाएगा, 90 हो तो ज्यादा दिखाएगा, ठीक है जी, 50 हो तो बीच में दिखाएगा, तो उनके बेस पे एक ग्राफ टाइप का दिखा रहा है सेल के अंदर ही। कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, जो मर्जी चाहे वो ले सकते हैं। कलर स्केल ये भी ग्राफ की तरह ही है। अब देखिए मैंने पुराना नहीं हटाया तो नया वाला भी डिस्टर्ब कर रहा है उसमें, तो पुराना हटाना जरूरी होता है।
कलर स्केल में क्या होता है, अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू डालेंगे, एक स्केल होता है, 10 पे लाल दिखा रहा है, 50 पे येलो दिखाएगा और 90 पे ग्रीन दिखा रहा है, मतलब तीन कलर हैं ये डार्क होते चले जाएंगे, जैसे ही 10 होगा ये हार्ड रेड होगा, जैसे जैसे होगा ये ऊपर वैल्यू की तरफ बढ़ेगा ये येलो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, अब येलो के बाद ये ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो ये कलर स्केल है जो आपका वैल्यू के हिसाब से काम करता है। क्लियर रूल्स, क्लियर फ्रॉम एंटायर। देन इसमें होता है आइकॉन सेट। आइकॉन सेट क्या होते हैं कि एक आपके एक पैरामीटर होता है, मान लीजिए आपकी सेल है, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है और कुछ ठीक ठाक है, तो उस तरह की जब भी कंडीशन देनी हो तो आप यहां से दे सकते हैं। कंडीशन को कैसे वो करना है अपने हिसाब से, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले चूज आप यहां से कर सकते हैं, जैसे तीन टाइप की कैटेगरी है तो यहां से दिखा सकते हैं, तीन आइकन दिखा सकते हैं, चार दिखा सकते हैं, मतलब कि एक आपकी बहुत अच्छी है, एक कुछ अच्छी है, एवरेज है, एक ठीक ठाक, एक मतलब ठीक ठाक, एक बुरी है या बहुत बुरी है, ऐसी चार पांच कैटेगरी हो सकती है, जितनी कैटेगरी दिखाना है आप दिखा सकते हैं, ठीक है जी, पांच सिंबल तक दिखा सकते हैं इसके अंदर। बाकी न्यू रूल जो है इसमें, ये तो थे सारे प्री डिफाइंड जो पहले से इसके अंदर है, बाकी जो है इसके अंदर आप खुद कैसे बना सकते हैं। फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, अब ये हाईएस्ट लोएस्ट नंबर परसेंट फॉर्मूला अपने आप ही हम यहां से चूज कर सकते हैं, मिडल बिटवीन जो भी वैल्यू हो उनके बीच में, लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगी आप दे सकते हैं यहां से, ठीक है जी, क्या नंबर रहेगा आप चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स, ये टेक्स्ट वाला हो गया, सेल वैल्यू बिटवीन इतने से इतने के बीच में हो, फॉर्मेट आप अपना यहां से भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, इवन नंबर फॉर्मेट तक, ठीक है जी, बॉर्डर भी, या फिर कलर देना है तो कलर दे सकते हैं। अब जबकि सेल वैल्यू 10 से 20 के बीच में है, उनको इनको ऐसे कर दे, येलो से कर दिया तो आप ऐसे इस तरह से चूज कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक्ड वैल्यू, टॉप 10 बॉटम 10 यहां से चूज कर सकते हैं, 10% चाहिए तो परसेंट यहां से चूज कर सकते हैं, फॉर्मेट यहां से चूज कर सकते हैं, सब वही है जहां वहां, अबव एवरेज बिलो एवरेज, अबव बिलो यहां से चूज करना है, यूनिक डुप्लीकेट यहां से चूज करना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये तो रही बात जिनकी जो कंडीशन ये देता है, अब कई बार कंडीशन इसके पास नहीं होती, हमारे पास होती है, कुछ अजीब ही कंडीशन होती है, तो वो हम फॉर्मूले के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फॉर्मूला कब काम करेगा यहाँ, जब ये इसको ट्रू रिजल्ट मिलेगा, जैसे इसका फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो जब उसमें ट्रू में करते हैं तो ये आता है, फॉल्स में करते हैं तो दूसरी चीज आती है, तो इसी तरह से जब इसको फॉर्मूला ट्रू दे देगा तब ये आपका फॉर्मेट जो आप सेट करेंगे वो अप्लाई कर देगा। इसके लिए कंडीशन बनाते हैं, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास सेल्स है डेली के, अलग अलग सेल्स, अब मैं इसमें चाह रहा हूं कि उनको हाईलाइट कर दे जिनका टोटल 300 से ज्यादा हो, ठीक है जी, उसमें पूरी मुझे इतनी सेल हाईलाइटेड चाहिए, इतने इतनी लाइन हाईलाइटेड चाहिए, ठीक है जी। अब 300 से ज्यादा हो क्या कंडीशन बनेगी, इसको सीधा सम कर लेंगे, हम सम किया
अब ट्रू फॉल्स में रिजल्ट चाहिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। मैंने कहा 300 से ऊपर होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन 300 कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब ये मुझे रिजल्ट किस में देगा, ट्रू फॉल्स में देगा। नीचे तक देखूं तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे रहा है, तो ये 300 से ऊपर है, ये 300 से नीचे है, ये 300 से ऊपर है, तो ऐसे ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे दिया इसमें। अब इस फॉर्मूले को बना के मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो फिक्स करना है, क्योंकि जब अगर ये फॉर्मूला है तो ड्रैग होगा, तो इधर कुछ का कुछ बनेगा। अभी जो मैंने रेंज ये सेल सिलेक्ट की है, अगली सेल में मैंने ड्रैग किया है, तो ये रेंज गड़बड़ हो गई है जी। तो इसके लिए लॉकिंग जरूरी है, फिक्सिंग जरूरी है, मतलब डॉलर साइन का यूज करूंगा मैं इसके आगे। और किस में, नीचे अगर ड्रैग करूं तो वो तो होना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, कॉलम में जब ड्रैग करूं तो वो कॉलम नहीं बिगड़ने चाहिए, तो कॉलम के आगे मैं डॉलर लगा दूंगा। जो चीज नहीं बदलनी चाहिए उसके आगे डॉलर लगा देते हैं। अगर रो के आगे लगाना होता, नीचे खींचता, मैं चाहता रो ना बदले, तो यहाँ टू के आगे डॉलर लगा देता, ठीक है जी। तो ये मेरा फॉर्मूला जो है तैयार है। मैंने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले को कॉपी किया मैंने और आ गया अपना यहाँ सिंगल सेल जहां मैंने लगाना है, पहली सेल यहां से अप्लाई करूंगा, यहां पे करूंगा सिलेक्ट रखा मैंने, अब गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल में, यूज फॉर्मूला में यहां डाल दिया, और फॉर्मेट में मैंने क्या किया, मैंने कहा ऑरेंज कर दो, ठीक है जी, ऑरेंज कर दिया। अब क्या करना है, मैंने फॉर्मेट पेंटर से ये लेके नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब चक्कर क्या हुआ, यहां डेट था तो सारे ही डेट कर दिए, तो मैं बाकी को नंबर फॉर्मेट में कर देता हूं, ठीक है जी। तो जिनका जो था उससे ज्यादा है, 400 से ज्यादा, 300 से ज्यादा सेल है, वो हाईलाइट हो गई। मान लीजिए किसी का कम हो जाता है, तो ये हट जाएगा, ज्यादा होते ही फिर हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरह हम फॉर्मूले को इसमें यूज करते हैं, ठीक है जी। बाकी इसको हम आगे करेंगे, वी लुकअप वगैरह के भी साथ यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, कल हम कुछ और करेंगे, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है इतना, ठीक है सर। तो आज की रिकॉर्डिंग भी सही सलामत बन गई है, तो इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड मार दूंगा, ठीक है सर।